करनाल में आज मंगलवार को 22 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सभी मामले करनाल जिले के अलग अलग एरिया से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि 2 कोरोना पॉजिटिव केस सेक्टर 6 के और 4 पॉजिटिव केस सेक्टर 13 से हैं। साथ ही सराफा बाजार, बुड्डाखेड़ा गांव, सेक्टर 16, मोती नगर, जुंडला गेट, संधू कॉलोनी, चांदसराय, सेक्टर 9, माजरा रोड आन से हैं। 22 कोरोना पॉजिटिव मामलों के बाद अब स्वास्थ्य विभाग सभी लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री जानने में जुटा हुआ है। सीएमओ योगेश कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लोगों को कोरोना से डरने व घबराने की जरूरत नहीं है, केवल लोगों को सावधानियां बरतने की जरूरत है। लोग अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। वहीं सीएमओ योगेश कुमार ने कहा कि जब लोगों की मूवमेंट बढ़ेगी तो केस भी ज्यादा आएंगे, परंतु अब टेस्ट की प्रक्रिया को तेज करके संक्रमित मरीजों को जल्द से जल्द ठीक करेंगे। करनाल जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव मामलों की बात करें तो जिले में 953 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केसों की बात करें तो जिले में 324 एक्टिव मामले हैं। 619 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 10 मरीजों की मृत्यु भी हो चुकी है। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। आज अभी जो हमारी फर्स्ट लिस्ट आई है उसमें 22 पेशेंट पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 20 करनाल डिस्ट्रिक्ट से हैं, एक रिपीट टेस्ट किया हुआ है और एक अदर डिस्ट्रिक्ट। तो उन सभी पेशेंट्स को हमारी हेल्थ की टीम जो है वो अपना CCC में शिफ्ट करने की और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तक ये व्यवस्था की जा रही है। नहीं, ऐसा है, देखिए जब मूवमेंट बढ़ती है और ये स्वाभाविक था कि केसेस बढ़ेंगे, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जितनी ज़्यादा हम टेस्टिंग इंक्रीज़ करेंगे, ऑब्वियस उसमें हमारे डायग्नोस पेशेंट भी ज़्यादा होंगे। पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा डायग्नोस हों वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, जबकि जो अनडायग्नोस पेशेंट है वो इसको फैलाए वो ठीक नहीं है। तो इसलिए टेस्ट बढ़ा के पेशेंट्स को डायग्नोस करके उसको आइसोलेट करेंगे और उससे जो है इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को हम कंटेन करने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे केस कम भी होते जाएंगे। मैं कहना चाहूँगा कि किसी तरह का भी कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ छोटी छोटी सावधानियाँ हैं। अगर हम बाहर बहुत ही आवश्यक हो तभी हम घर से बाहर निकलें, और निकलें तो अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क प्रॉपर तरीके से हमेशा वियर करें। तो बहुत देखने में आया है हम नाक के नीचे रख लेते हैं मास्क, नाक और मुंह दोनों को ढक के मास्क हर वक्त यूज़ करें, और साथ में अपनी हैंड वॉशिंग जो है वो अपने प्रॉपर तरीके से बार बार हैंड वॉशिंग करते रहें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets.